दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आपको तो पता है किंग खान की जो कमबैक होने वाली है, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक होने वाली है, बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी कमबैक होने वाली है। और पता है लाइनअप में तीन बड़ी बड़ी मूवीज है एसआरके की। एक तो है पठान जिसकी शूटिंग चल रही है, दूसरा है राजकुमार हिरानी, तीसरा है अटली कुमार। तो पठान के जस्ट किसके बाद वो शूटिंग करेंगे, राजकुमार हिरानी की मूवी की शूटिंग स्टार्ट करेंगे उसके बारे में भी कंक्लूजन आई है कि कब स्टार्ट करेंगे या इडली कुमार की करेंगे। तो वीडियो को देखते रहना एंड तक, चैनल पर नए वीडियो किए तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता दे दोस्तों, आज से एसआरके के दौरान तो एसआरके ने बोल ही दिया था कि जितना छुट्टी लेना था वो दो साल ले चुके हैं। अब जो नया साल आया 21 में, ये 21 ईयर पूरा एक पूरा उनका होने वाला है और वो पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। और पूरी उससे पहले करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना होगा लाइक। और भाई जिस तरीके से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देखकर और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, और ज़्यादा नहीं चाहिए प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। तो बता दें आप सभी को, पठान मूवी की शूटिंग तो ऑलमोस्ट लगभग थर्ड शेड्यूल तक पहुँच चुका है, लेकिन अब बता दें पठान के बाद अगर वो कौन सी मूवी की शूटिंग करेंगे तो बता दें पठान के बाद वो रेस्ट नहीं लेने वाले हैं। हाँ वो एक हफ्ता के रेस्ट ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा रेस्ट नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद पठान के बाद जस्ट वो शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, वो होने वाली है राजकुमार हिरानी की मूवी। हाँ दोस्तों मुसाफिर की, और बता देते तो मुसाफिर के जो कंटेंट है वो मतलब किसी के ऊपर आप संदेह कर सकते हो, लेकिन राजकुमार हिरानी के ऊपर आउट एंड आउट फुल मसाला और मसाला इंटरटेनमेंट कॉमेडी हर एक चीज़ परफेक्ट देखने को मिलती है, वो है राजकुमार हिरानी की मूवी में जो कि हमें नज़र आ गई है एसआरके की पठान के बाद। तो दोस्तों इस बारे में आप लोग का राय क्या, पठान के शूटिंग ख़त्म करते ही वो ज्वाइन कर लेंगे राजकुमार हिरानी की टीम को, और राजकुमार हिरानी के स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी थी, ये मैंने ही आपको कंप्लीट बताई थी अगले वीडियो में, मतलब इसके पहले वाली हिरानी के एपिसोड में। तो इस बारे में आप लोग का राय क्या जरूर से कमेंट में बताओ, वीडियो बनाए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग, और इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, और जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और V4 बॉलीवुड के नाम से ही ट्विटर हैंडल भी है, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।